तो इस वीडियो में आपको फुल ट्यूटोरियल मिलेगा सफारी पार्क का, और इसके दो पार्ट होंगे, एक पार्ट जो आज अपलोड कर रही हूँ, एक पार्ट जो है मैं आपको कल अपलोड करूँगी। तो आपको जो है वो बिल्कुल एंड तक देखना है, बहुत मज़ा आया, आप देखोगे आपको भी बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट मिलेगी देखने में, सारी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आपने एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप? तो आई होप सो कि आप लोग ठीक होंगे, ठीक ठाक होंगे। थंबनेल और टाइटल से तो देख लिया होगा कि आपने कि आज का व्लॉग किस बात पर है। सो मैं जा रही हूँ आज अपनी फैमिली के साथ सुपारी पार्क, और वहाँ पर सफारी या सुपारी जो भी है हम वहाँ जा रहे हैं। बच्चे जो है वो काफ़ी दिन से पीछे लगे हुए हैं। एलईडी में इसके बाबा ने एक दफ़ा वो लगा के दे दिया था इनको, जो आज डायनासोर्स आए हुए हैं ना सुपारी पार्क में, तो वो लगा के दे दिया था। तो वो कह रहे हैं मोहम्मद बिलाल तो खास तौर पे मुझे डायनासोर्स देखने हैं, क्योंकि वो एनिमल्स जो बहुत ज़्यादा लव करता है, एनिमल्स हो गए हैं या फिर बाइक्स कार वगैरह हो गई है जो, और बॉल वगैरह आपको पता है लड़के तो इसी चीज़ से खेलते हैं, और मोहम्मद बिलाल जो है वो काफ़ी पसंद है मोहम्मद बिलाल को डायनासोर्स वगैरह। तो कह रहा है मम्मा मुझे डायनासोर देखना है, और वो छोटू है ना मेरा छोटू मोहम्मद हसन, उसको भी जो है ना वो डायनासोर देखना है। ठीक है, तो आज हम जा रहे हैं, आज है थर्सडे और हस्बैंड की छुट्टी है, तो हमने कहा कि हम चलते हैं। और आई होप सो कि आज इसके जो है वो दो पार्ट आपको मिलेंगे, अगर दो पार्ट हुए तो आपने बने रहना है और दोनों वीडियोज़ देखनी है। एक पार्ट एक दिन अपलोड होगा और एक पार्ट जो है वो दूसरे दिन अपलोड होगा। ठीक है, तो आपने जो है वो ब्लॉग को बिल्कुल एंड तक देखना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप क्या कर रहे हो? समझ रहे हो क्या कर रहे हो भाई? जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट एंड शेयर करें। ठीक है, तो मैं अभी जा रही हूँ तैयार होने, मैंने अभी नमाज पढ़ ली है। ठीक है, सो अभी कुरान शरीफ मैं क्योंकि कुरान भी पढ़ती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ आज मैं यासीन पढ़ लूँ। यासीन पढ़ के मैं जो है वो जाऊँगी लेंसेज लगाऊंगी, और लेंसेज में इतने कोई खास से ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, जो इफेक्टिव नज़र आए कलर ऐसे लगाऊंगी जो नेचुरल रहे। फिर मिलते हैं आप लोगों से, सो स्टे कनेक्ट विद अस। तो जी जनाब, उसके बाद जो है हम लोग जाने के लिए तैयार थे। हम लोग सिर्फ बाइक पे, छोटी सी तो फैमिली है तो बाइक होती है हमारे पास, तो हम बाइक पे ही गए थे। और यहाँ पे मैं आपको रास्ते में जो है वो व्यू दिखा रही हूँ, और ये एंट्रेंस गेट था, एंट्रेंस गेट नहीं है, ये आगे वाला एंट्रेंस गेट था, ये भी गेट था लेकिन ये बंद था। और मौसम आप चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त मौसम हुआ हुआ था, और वाकई ही घूमने वाला मौसम था। और ये हस्बैंड के इसरार पर हम आए हैं, और बच्चे के इसरार पर, मतलब मेरा इतना दिल नहीं था, तो मैंने कहा चले जब जा ही रहे हैं तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब की फैमिली हो तो आप लोगों से हर चीज़ शेयर करना तो मेरा फ़र्ज़ बनता ही बनता है, और आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर करना है, और अगर आप देख रहे हो नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आप लोगों के साथ फुल ट्यूटोरियल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जाते वक्त के बच्चों ने जो है वो पिक्स भी नहीं खिंचवाई, और उन लोगों के साथ क्या पहना बिल्कुल भी इन लोगों ने कुछ नहीं बनवाया, क्योंकि जाते हुए मोहम्मद बिलाल ने इतना रोना डाला कि मुझे ये नहीं पहनना, मुझे ये वाले शूज़ नहीं पहनना, अपनी मर्ज़ी से इसने पहना है। देन उसके बाद यहाँ पे हम एंट्रेंस हुए, मतलब आप यकीन जाने कि हर चीज़ में पैसे थे। हम इंटर हुए उसके पैसे, पार्किंग के पैसे, फिर अंदर जाने के पैसे, तो मतलब हम लोगों ने मतलब कुछ इन्जॉयमेंट करने से पहले ही तीन दफ़ा जो है वो पैसे दिए। ठीक है, हर चीज़ के टिकट, हर चीज़ के, बंदा मतलब कहीं भी जाए ना तो मतलब हर चीज़ के पैसे थे इसमें ना। साइड सी बात, इन लोगों ने कमाने की अपनी मतलब बनाई हुई जगह, तो हर चीज़ में पैसे थे। तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, अच्छा बच्चे थके भी नहीं, क्योंकि इनकी इन्जॉयमेंट की जगह थी, उनको मज़े आ रहे थे हर चीज़ में, झूले वगैरह और एनिमल्स और हर तरीके के इन्जॉयमेंट थी। तो बच्चों ने क्या थकना था, बच्चे आके थके, और मोहम्मद बिलाल तो आकर बोल रहा है मम्मा मैं बहुत ज़्यादा थक गया, मम्मा मेरे पैर में एक एक जगह बता रहा, मम्मा मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मम्मा मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। सो यहाँ पर यह एंट्रेंस से हम लोग जो है वो काफ़ी अंदर पैदल चल कर गए हैं, और मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि संडे का दिन है, मतलब जैसे नॉर्मल डेज़ में इतना रश्ता तो जो, क्योंकि ये इसी वजह से ज़्यादा रश्ता है क्योंकि डायनासोर्स वहाँ पे जो है वो हुकूमतें लगाए हैं, तो बहुत ज़्यादा रश्ता वहाँ पे इसी वजह से, और इसी वजह से जो है वो आवाम ज़्यादा आई हुई थी, और हम भी इसी वजह से गए थे कि हमें जो है वो डायनासोर्स देखने हैं। मोहम्मद लाल ने जो है वो अपनी एलईडी में देखी थी, और मोहम्मद लाल कह रहा था मुझे ये डायनासोर ये देखे, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। अच्छा, ये वाली वीडियो जो है ना वो मैं आपको नेक्स्ट दिन जो है वो नेक्स्ट डे शेयर करूँगी, अभी जो है वो क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, और आपको पता है कि मैं न्यूली अभी जो है वो वीडियो बना रही हूँ, तो इतना ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बना रही हूँ, तो मैं आपको जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से शेयर करूँगी। ठीक है, तो आपने जो है वो वाला व्लॉग भी फुल देखना है, और इस व्लॉग में भी आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है आप लोगों को देख कर ही, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक हम जाते हैं काफ़ी इन्जॉयमेंट होती है, और जो हम देखते हैं तो भी इन्जॉयमेंट होती है बहुत ज़्यादा, तो आप लोगों को ज़रूर मज़ा आएगा। और अच्छा, यहाँ पर एक गोरिल्ला बना हुआ था, और मोहम्मद हसन और बिलाल इतना डर रहा था, क्योंकि मोहम्मद हसन तो छोटा है वो डर रहा था, लेकिन मोहम्मद बिलाल भी डर रहे थे। देखें यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी और बड़े बच्चे भी यहाँ पर बैठ के तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, लेकिन मोहम्मद बिलाल काफ़ी देर बाद जो है वो सेट हुआ जाके, फिर जाके वो बैठा, और ना थोड़ी देर मोहम्मद हसन
भाई बैठ ही नहीं रहा था। हमने कहा मोहम्मद हसन बैठ जाओ, नहीं भाई इतना रोया मोहम्मद हसन, एक मिनट के लिए उसने कोई तस्वीर या फिर वीडियो नहीं बनवाई, ठीक है। और ये रही हम, ठीक है, तो मैंने कहा मैं भी आप लोगों को दिखा दूँ कि भाई मैं भी गई हूँ और मैंने ये वाला अबाया जो है वो वेयर किया था, ये मैंने ईद पर लिया था और मैंने जो है वो ये वाला अबाया पहना था, इनर कैप ब्लैक भी, और इसका कंट्रास्ट में मैंने ब्लैक ही जो है वो अपना मास्क लिए पहना था, ठीक है। देन हम इसके बाद यहाँ पर आए थे सफारी कश्मीर पॉइंट पर, और यहाँ पे जो है वो बोट लगी हुई थी और काफ़ी मैंने कहा हर चीज़ जो है ना वो आज इंजॉय करनी है, आप लोगों को भी दिखानी है। और यहाँ पर जो है वो हम लोग एंटर हो ही रहे थे तो यहाँ पे एक बोट में जो है वो अपनी फैमिली जो है वो आ रही थी वहाँ से, और काफ़ी इंजॉयमेंट तो मुझे बहुत ज़्यादा, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई कि हम इस बोट पर बैठना है। लेकिन एक झील टाइप की बनी हुई थी और सफाई के मामले में बात की जाए तो बहुत ज़्यादा गंदगी फील हुई थी, मतलब जैसे ही हम लोग यहाँ पर मैं एंटर हुई हूँ यहाँ पर ये जो है वो सेफ्टी की जो है वो जैकेट्स रखी हुई थी, सेफ्टी जैकेट्स, और हम लोग यहाँ पे गए और लेकिन जो है ना वो सफाई मुझे कोई खासी समझ नहीं आई क्योंकि पानी में भी बहुत स्मेल आ रही थी, रुका हुआ पानी था लेकिन आप उसको केमिकल डाल के साफ कर सकते हो। और अच्छा यहाँ पे ये बोर्ड आप देखें, ये पैर से उसको चलानी पड़ती है, ठीक है। हेलो कर दो, आइए दादा कर दो, ताता ताता कर दो, हसु आप भी देखो ताता कर दो, बोट में ना घूमे तो फिर और बच्चों ने तो बहुत इंजॉय किया, मोहम्मद लाल हर चीज़ को देख रहे हैं, मम्मा मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मम्मा मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे ये बतख भी थी जिसको क्या कहते हैं और क्या, और यहाँ पे हमारा पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था बोट पर, और दो तीन बोट भी ज़्यादा नहीं थी और चलाने वाली थी, और इतना कोई मज़ा आ रहा था माशाल्लाह से, जब उन्होंने टेस्ट करी ना तो एकदम से मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी डर लगने लग जाता है, और पानी से तो वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आता है और ऊँचाई से, इन चीज़ों से वैसे ही कॉमन ज़्यादातर लोगों को जो है वो डर ही लगता है। फिर अंकल ने जो है थोड़ी सी स्लो कर दी थी, और जब मैं साथ साथ जो है वो वॉइस भी दिखा रही हूँ कि कितना मज़ा आया पानी की चीज़ें आती हैं, वहाँ से बोट से उतरने के बाद यहाँ पर हस्बैंड ने ये टिकट लिए कोच के, इसके भी 100-150 रुपये थे और जो हम बोट में बैठे थे 100 रुपये पर हेड था, ठीक है, पर पर्सन जो है वो 100 रुपये थे। देन उसके बाद जो है वो गाड़ी स्टार्ट हुई, और अच्छा मैं अब जब हस्बैंड ने टिकट ली ना, मैंने कहा यहाँ पर तो कोई बैठने के लिए तैयार ही नहीं है, मतलब इतना रश ही नहीं है, और आप यहाँ हालत चेक करें बस की, इतनी कोई गंदी, मतलब जैसे इतनी कोई उसकी कोई मरम्मत नहीं हुई हुई, मतलब आप जो है वो इतना पैसा इससे कमा रहे हो तो मतलब बिल्कुल भी, अब ये नहीं जाना कि हुकूमत की तरफ से है या फिर इन लोगों ने अपने पास से लगाई हुई है, अपने पास से लगाई हुई है लेकिन बंदे की जिस पर आप जो है जिससे कमा रहे हो उसको तो अच्छा करो। गाड़ी बिल्कुल, एक गाड़ी नहीं जितनी भी इनकी 3-4 गाड़ियाँ थी वो इसी हालत में थी, और यहाँ पर जो है वो आहिस्ता से फिर स्टार्ट हुआ था, और ज़्यादा से मतलब आधे से ज़्यादा जू तो खाली ही पड़ा हुआ था, कि किस नाम का जू था समझ से बाहर था, मतलब बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ था, बंजर एनिमल्स जो है वो ना होने के बराबर थे, और जहाँ जहाँ एनिमल्स थे वहाँ पर जो है वो गाड़ी रुक रही थी, लेकिन जहाँ मतलब उनको पता है कि यहाँ यहाँ एनिमल्स हैं वो वहाँ रोक रहे थे और वहाँ थे ही नहीं। अब यहाँ पे हाथी जो है वहाँ पे 2 हाथी हैं, और यहाँ पे जो है वो वैन वाले ने जो है वो गाड़ी जो है वो स्लो कर दी थी और फिर थोड़ी देर रोकी थी, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे देखा और जहाँ एनिमल्स थे ना वहाँ पे
हम लोग उतर भी नहीं सकते थे, बस गाड़ी जो है वो 5-10 सेकंड के लिए रोक रहे थे, फिर हम देख रहे थे और इसी तरह जो है फिर इसी तरह हम लोग आगे जाए जा रहे थे। लेकिन जहाँ एनिमल्स थे वहाँ पर जो है वो इतने मतलब जो दरख्त इतने ऊँचे ऊँचे किए गए हैं, तो वहाँ से मेरे हिसाब से जो है वो नीचे रखने चाहिए ताकि, या फिर कटिंग करनी चाहिए ऐसे ताकि हम लोगों को अच्छे से नज़र आ सके और जो देखने आए हैं लोग उनसे वो अच्छे से जो है वो इंजॉय कर सकें। ठीक है, तो अब जिस इस तरीके से हम लोग आगे गए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी जगह थी लेकिन एनिमल्स ना होने के बराबर थे। तो यहाँ पर ये कुछ हिरण थे, मतलब हिरण जो है वो ज़्यादा थे और यहाँ पे देख सकते हैं ये हिरण टाइप के हैं, हिरण टाइप के नहीं हैं, हिरण ही है शायद। तो वो एनिमल्स हैं, मुझे कोई एनिमल्स में इतनी ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग है नहीं और पता नहीं ये मेरे ख्याल हिरण ही है, हिरण ज़्यादा थे। हाथी थे, दो जगह मुझे हाथी नज़र आए हैं, एक जगह पर दो थे और एक जगह पर तीन थे शायद ना। तो काफ़ी इंजॉय किया बच्चों ने और काफ़ी मज़ा आया और बस मुझे इस पास से जो है ना वो डिसअपॉइंटेड फील हुआ कि मतलब इतने ज़्यादा एनिमल्स नहीं थे जितना बड़ा एरिया लोगों ने रखा हुआ था जू टाइप का। और मतलब जैसे पर हेड जो है वो 50 रुपीज़ ले रहे हैं दिखाने के लिए, तो मतलब ना होने के बराबर था। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है सफ़ेद फ्लोरिन, तो मतलब वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं था। और जो है वो पता नहीं लोगों को खाना देते भी हैं या नहीं देते, बिल्कुल भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसका फील हुआ। और सफाई का आप देख सकते हो कि सफ़ाई भी इतनी कोई ज़्यादा नहीं थी, बहुत ज़्यादा कम सफाई थी। जैसे आप जैसे मैंने वहाँ पे हम लोग गए कश्मीर पॉइंट पे, जब हम बोट पे बैठे थे वहाँ पर भी कोई इतनी गंदगी होती, पानी में से भी स्मेल आ रही थी और जो उनकी जो जैकेट्स थी सेफ्टी की वो भी बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी उसमें। तो बहुत ज़्यादा सफाई की उनको ज़रूरत थी, मतलब कि सफ़ाई रखनी चाहिए और होनी चाहिए सफाई। और यहाँ पे मोहम्मद हसन जो है वो अपने बाबा के पास और मोहम्मद बिलाल जो है वो मेरी गोद में बैठा हुआ था, इसी वजह से मेरा कैमरा जो है वो काफ़ी ब्लर भी हो रहा था और काफ़ी हिल भी रहा था, तो आप लोगों ने एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, तो फैमिली हो तो एडजस्ट तो करना ही बनता है। और यहाँ पे ज़ेबरा देखा, एक ही ज़ेबरा था, एक ही, इतनी बड़ी जगह ज़ेबरा है एक ही। तो इस बात पर भी हुआ कि एनिमल्स बहुत ज़्यादा ही कम थे। और यहाँ पर आपको हॉर्स नज़र आ रहे होंगे और इतनी दूर दूर जो है वो जगह पर थे, मतलब एक मतलब ये मैंने आपको वीडियो कट करके दिखा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो थी और इतना मतलब खाली पार्ट तो मैंने जो है वो कट ही कर दिया था क्योंकि वहाँ पे कुछ था ही नहीं, तो मैं आप लोगों को क्या दिखाती। ये है काला हिरण, यहाँ पे काले हिरण थे। ठीक है, तो मैंने कहा इतनी लंबी मैं वीडियो आप लोगों को क्या दिखाऊंगी, आप लोग क्या सिर्फ जंगल और हरे हरे वो देखोगे तो मेरी वीडियो कौन देखेगा। तो इस वजह से मैंने काफ़ी वीडियो जो है ना वो कट करी है, सिर्फ वो वीडियो ली है जहाँ पर आपको एनिमल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने वो वीडियो ली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपने ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर करना है। अच्छा, इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे आप वो वाले पार्ट में भी, तो आपने वो वाला व्लॉग भी मिस नहीं करना है, एंड तक देखना है। तो यहाँ पर ये वाले भी जो है वो क्या हैं, ये पता नहीं अगर आप लोगों को समझ आए क्या, तो आप मुझे बताइएगा कि ये कौन से एनिमल्स हैं। तो मोहम्मद बिलाल ने काफ़ी तंग करा, मोहम्मद बिलाल मुझे बिल्कुल भी शूट करने नहीं दे रहा था, बस वो मेरी गोद में ही चढ़ जा रहा था क्योंकि जो बस है ना वो ऊंची थी, खिड़की ऊंची थी ना तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था और बच्चों को, तो वो मेरी गोद में ऊपर चढ़ कर देख रहा था और मैं उसको ज़्यादा चढ़ने भी नहीं दे रही थी, अगर मैं ऊपर चढ़ता तो वो मतलब बाहर ना निकल जाता, तो इस वजह से। और यहाँ पर ये जो है वो पहाड़ी बकरे हैं, पहाड़ी बकरे। ठीक है, तो एनिमल्स में मैं आपको बता रही हूँ ना, बिल्कुल भी मुझे इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मुझे इतना शौक़ कोई, तो इस वजह से आपकी जो आप ही हैं व्लॉगर आप ही, तो इनको जो है ना कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो बस आप काम चला लें। और आप देख सकते हैं कि इतना खाली है, इतना खाली था ना, बहुत ज़्यादा खाली था। तो ये मैंने आप लोगों के साथ, तो समझ लिया मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट की वीडियो यहाँ पे काटी है। यहाँ पे ये है शतर मुर्ग कहते हैं शायद इसको, वहाँ पे ये था, ये भी एक ही था, मतलब जो बड़े बड़े एनिमल्स थे जो होनी चाहिए वो भी एक एक दो दो ही थे, इससे ज़्यादा। तो जो गार्डन में जो ज़ू है ना वो आप ज़्यादा इंजॉय करोगे वहाँ पर भी, कभी मेरा जाना हुआ, हम तो जाते खाते रहते हैं तो हमारा जाना हुआ तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर ये वाले हाथी हैं, दो हाथी थे यहाँ पर, और जहाँ मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था वहाँ भी दो हाथी थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हाथी थे और काफ़ी इंजॉय किया और आई होप सो हम फिर ये हम लोग आपसे आ गए थे। सो आई होप सो कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट भी जा सके देख सकते हो और मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो लगाती हूँ, वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो आप लोगों ने ज़रूर जो है वो सपोर्ट करना है और वीडियो को शेयर करना है। मैं इसी तरह आप लोगों के साथ प्यार प्यारे व्लॉग लेके आते रहती हूँ, डेली व्लॉगिंग करती हूँ, तो आपने ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना है। अच्छा, कल का भी वीडियो व्लॉग मिस नहीं करिएगा, इसका पार्ट टू भी आएगा तो आपने पार्ट टू भी ज़रूर देखना है। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक अनमोल अशरफ खतीज अशरफ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।